हेलो फ्रेंड्स, नेचर इन 34 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये कनेर की कटिंग है। कनेर जो है गर्मियों और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसकी आप कटिंग लेंगे, थोड़ी सी हार्ड कटिंग लेंगे, सॉफ्ट कटिंग इसकी ग्रो नहीं होगी। इस कटिंग को आप, मैं इसमें जो रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत यूनिक रूटिंग हार्मोन है, वो आज तक अभी तक किसी ने यूज़ नहीं करा है। मैंने इसको एक बार यूज करके देख लिया, ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है, आपके घर पे ही मिल जाएगा, इसको यूज कर सकते हैं आप। इसकी अगर हार्ड कटिंग लेंगे तब तो ये ग्रो हो सकता है कनेर का पौधा, थोड़ा सॉफ्ट कटिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ अगर ग्रो हो जाए तो इस रूटिंग हार्मोन में। ये देखो, मैंने कनेर की जो है एक सॉफ्ट कटिंग ली है और एक थोड़ा सा हार्ड कटिंग है। इनके सारे पत्ते निकाल देंगे, जितने इसमें जो ब्रांच में जितने पत्ते हैं, एक दो पत्ते रखने हैं बस, और बाकी सारे पत्ते निकाल देने हैं, जिससे कि इसकी जो है ग्रोथ अच्छे से जल्दी हो जाए। और इसके जो नोड हैं, ये दो तीन नोड होने चाहिए, जिसकी जिससे कि इसमें रूट्स अच्छे से निकल पाएँ। ये देखिए, मैं दो कटिंग लगा रहा हूँ। इसके लिए आप लेंगे कोकोपीट, कोकोपीट में ही अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि कोकोपीट जो है मॉइस्चर बने रहता है, जिससे कि जो हमारी कटिंग है उसमें अच्छे से ग्रो हो सकती है। कोकोपीट में लगाकर आप कटिंग कभी भी लगाते हैं, कोई सी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं, तो उसको कोकोपीट में लगाएं। और जो आज विधि बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए, ये आप एक एग लेंगे, इसका जो यार्क होता है अंदर का, जो येलो वाला पार्ट होता है एग का, उसमें इसको रूटिंग हार्मोन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने एक दोनों कटिंग में इस रूटिंग हार्मोन को लगा दिया है। ये रूटिंग हार्मोन यूनिक है, मैंने इसमें एक ट्राई कर रखा और इसमें अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है। आप भी इसमें कटिंग ग्रो करनी है आपको, बरसात में हो या गर्मियों में, कभी भी इसमें कटिंग ग्रो हो सकती है। इसको आप अच्छे से जो है होल करके उसमें ये कटिंग अपनी, ये जो नीचे से नोट दिख रहा है इसमें, इसको हल्का सा डुबा दीजिए इसमें, जो इसका अंडे का अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है उस वो लगना चाहिए इसमें, और इसको आप कोकोपीट में लगाइए, कोकोपीट में अच्छे से ग्रो होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो है 15 दिन बाद का रिजल्ट दिखाऊंगा, इसमें कितने अच्छे से ग्रो हो रखा है। इस तरीके से इसको आप लगाएंगे और इसको एक पन्नी से ढक देंगे, कोई भी पन्नी ढकेंगे, जिससे कि इसमें मॉइस्चर बने रहेगा। और 15-20 दिन बाद आप इसको निकालेंगे पन्नी को, कोई शेडेड वाले स्थान में रखिए, जहाँ पर को हल्की धूप आए, तो इसमें जो है मॉइस्चर भी बना रहेगा। और 15 दिन तक आप इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो कोकोपीट है अच्छे से पानी से भिगा दिया था। और इसको कोई शेडेड वाली जगह में रख दीजिए, पन्नी लगाकर रखेंगे, जिससे मॉइस्चर बना रहेगा इसमें। और मैं इसको आपको 15 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देखिए 15 दिन बाद इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, इसमें जो नई डेवलप हो रखी हैं पत्तियां, जो नई आ रखी, नई ब्रांच जो आ रखी, ये दो दो तीन तीन ब्रांच तो आ रखी, नीचे से दो तीन ब्रांच और आ रही हैं, इतने अच्छे से ग्रो हो गई है। ये देखिए, इस पौधे को लगाए हुए करीब 3 महीने हो गए हैं, और जिस विधि से मैंने लगाया, देखिए इसकी ग्रोथ उसके बाद कैसी हुई है। ये देखिए, इसमें अलग अलग दो तीन ब्रांच निकल गई हैं। आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे। इसको रिपोर्ट करने का जो टाइम है, अभी जो इसमें फूल होते हैं वो बहुत अच्छे खिलते हैं, अगर इसको अच्छे से रिपोर्ट करेंगे तो इसमें आने वाले 2-3 महीने के बाद इसमें बढ़िया फूल ले सकते हैं हम, और ये कम कम से कम बरसात तक ये इसके फूल टिके रहते हैं। तो देखिए इसको रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसको इस पॉट से निकाल के देखते हैं इसमें कितनी ग्रोथ हो रही थी, फिर मैं आपको आगे की विधि बताता हूँ कैसे करना है इसको रिपोर्ट। ये देखिए, इसमें कितनी जड़ें आ गई हैं, देखिए इसको हम ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे, इसमें जड़ें अच्छी खासी निकल गई हैं, ग्रोथ अच्छी हो गई है। और अगर हम इसको अब रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। इसको रिपोर्टिंग करने का तरीका यह है, सबसे पहले इसका पॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं। इसमें हम जैसे हम लेंगे कम से कम 60% तो हम लेंगे इसमें गार्डन सॉइल, कोई सी भी गार्डन सॉइल, उसमें रेता मिला देंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ी इसमें राइस हस्क लेंगे हम 20%, 20% राइस हस्क मिला देंगे इसमें। राइस हस्क से जो है पानी, गर्मियों में जो पानी की मात्रा कम हो जाती है पौधों के लिए, तो राइस हस्क जो है पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे पौधों में पानी की कमी नहीं हो पाएगी।
इसलिए राइस हस्क मिलाना ज़रूरी है, और इससे मिट्टी भी थोड़ा सा बरबरी बनती है जिससे इससे जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है। ये देखिए हम इसको इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसमें 20% 60% तो हमने गार्डन सॉइल ली, 20% हमने लिया इसमें राइस हस्क, और 20% इसमें लेंगे हम गोबर की खाद। इसमें हम थोड़ी जो है गोबर की खाद मिलाएंगे 20%, क्योंकि गोबर की खाद में जितने प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं पौधों के लिए वो सब मिल जाते हैं, इसलिए 20% इसमें गोबर की खाद भी मिला देंगे हम। ये देखिए मिक्सचर अब तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। कनेर का पौधा थोड़ा ग्रोथ करता है, अगर इसको ज़मीन में लगाएंगे तो ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और इसमें फूल भी अच्छे खिलते हैं। तो अभी हम इसमें जो इसमें लगा रहे हैं इसमें को पॉट में, ये प्लास्टिक का पॉट है, आप इसको मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं। पॉट कम से कम चाहिए आपको 14 इंच से ऊपर का चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पौधा होता है और इसमें फूल भी तभी अच्छे खिलेंगे जब ये बड़े पॉट में लगा होगा। मिक्सचर से भर देंगे इस पॉट को, ये देखिए हमने पॉट जो भर दिया है। इसमें अगर हम 4-5 दाने DAP के मिला देंगे इसमें साइड से, DAP जो होती है DAP मिलाने से जो है जिससे कि पौधे जल्दी से ग्रोथ करेंगे और एकदम स्ट्रेस में नहीं आएंगे और इसकी जड़ें अच्छे से मजबूत होंगी। इस तरीके से इसको हम इस पॉट में लगा देंगे और इसमें हल्का हल्का पानी डाल देंगे और 2-3 दिन इसको छाया वाले स्थान में रखकर फिर 2-3 दिन बाद इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें 1-8 महीने के अंदर जो फूल खिलेंगे, क्योंकि कनेर का पौधा जो है गर्मियों में और बरसात में अच्छे फूल देता है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग इस समय करोगे तो ये स्ट्रेस में नहीं आएगा और एकदम ग्रोथ करेगा। इसकी हम रिपोर्टिंग और कटिंग जो है बरसात में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पौधे की जो है कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे तो कोई से भी पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये जो है रूटिंग हार्मोन, ये बढ़िया रूटिंग हार्मोन होता है, जिसमें मैंने इसको कटिंग लगाई थी इसकी, वो बहुत बढ़िया रूटिंग हार्मोन होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, उस रूटिंग हार्मोन से आपकी जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और जो है पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।